अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर नेता राजभर, अपनी कही बात पर कैसे यू टर्न हुए आप? दूसरी चीज सर, आपकी एक मुलाकात अमित शाह जी से होने वाली थी। कल मुलाकात होनी थी पाकिस्तान की घटना को लेकर के, व्यस्तता रही। आज शाम को 6 बजे के बाद मुलाकात। क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिस बात को लेकर के माननीय अमित शाह जी से बात होनी है। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर के, 9 प्रदेशों में बांट करके आरक्षण सबको दिया जा रहा है। नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी कड़ी में जो शेष जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं, वो तो आरक्षण का लाभ ले रही हैं। कमेटी बनाई गई राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में। कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया अक्टूबर में, और वो रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई। लागू न होने से लोगों में रोष व्याप्त है। अभी आपने देखा कि बगैर कमीशन, बगैर कोई आयोग गठित हुए, गरीब सवर्ण को जब आरक्षण 48 घंटे में बिल पास हुआ, तो पिछड़ों में जो गरीब हैं, दलितों में जो गरीब हैं, उनमें उम्मीद जगी कि अगर वो बिल पास हो सकता है तो हमारा भी। हम धमकी नहीं देते हैं भैया, हमने ये कहा था कि हम अपनी बात के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो छोटा भाई अपने भाई से लड़ेगा नहीं, अपने अधिकार के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उसे लड़ना। तो आपको लगता है सर बड़े भाई आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल माने, कहे नहीं मानेंगे, हमारा अधिकार है। और अगर बड़े भाई बात नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे भाई, अब ना मानने की बात अलग होगा। देखिए, रास्ते बहुत से रास्ते हैं, और जब वार्ता होती है तो रास्ते निकल आते हैं। मानेंगे ना, हमको भरोसा है, मानेंगे। उन्होंने वादा भी किया है, 20 मार्च 2018 को उन्होंने कहा है, 11 अप्रैल 2018 को भी उन्होंने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। कोई टेक्निकल अड़चन होगी तो वार्ता के बाद तय हो जाएगा। इसको हम लागू करा के ही सरकार में मानेंगे।